स्कूल मस्जिद मदारिस के करीब शराब खाने खोलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में शराब खानों को लाइसेंस के अजरा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नकूल भी उनके सेप्रल को तलब कर ली है। मुमताज़ जमाले से जानते हैं। जी मुमताज़, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिंध हाई कोर्ट में शराब खानों को लाइसेंस के अजरा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहाँ पर अदालत ने सिंध हुकूमत, महकमा एक्साइज और दीगर से तफ्तीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि किन शराइत पर शराब खानों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मसाजिद और मदरसे के करीब शराब खाने खोलने का लाइसेंस जारी नहीं किए जाते। सिंध में शराब खाने के लाइसेंस कानून के मुताबिक जारी किए जाते हैं। जबकि साथ ही साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद ये भी रिमार्क्स में कहा कि जबानी बातें ना करें, पहले भी कहा था वो कानून पेश करें। सिंध हाई कोर्ट में शराब खानों को लाइसेंस के इजरा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मुमताज जमाली हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।